पुरुषोत्तम कुमार पंजाब में भारत तिब्बत सहयोग मंच के माध्यम से समस्त भारतवासियों और पूरी दुनिया के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आज चाइना एक धूत राष्ट्र के रूप में अपनी छवि सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। चाइना की विस्तारवादी नीति के तहत चाइना ने सन 1959 तिब्बत दुनिया का खूबसूरत देश जिसे रूफ ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, जहां से भारत को 80% जल की पूर्ति होती है, जहां के लोग जियो और जीने दो के सिद्धांत पर शांत में जीवन जीने में विश्वास करते हैं। ऐसे देश को चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत गुलाम बनाया और उस देश के लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए, हत्याएं की। उन बच्चों को चाइना ले गए, अपने परिवार से दूर कर दिया। और चाइना यहाँ ही नहीं रुका, चाइना ने भारत देश की भी बहुत सी जमीन सियाचिन और बहुत सा इलाका भारत का भी अपने कब्जे में ले लिया। भारत हमारे आराध्य भगवान शिव का धाम मानसरोवर, वो भी चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच के माध्यम से आज सभी से अपील करना चाहता हूँ, कृपया ऐसे धूत राष्ट्र का हर फ्रंट पर बहिष्कार करें। आज चाइना का कोई भी बना हुआ चाइना को आर्थिक चोट देने के लिए आज की ट्रेड का युग है, और चाइना की कमर तोड़ने के लिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया चाइना का बना हुआ कोई भी वस्तु इस्तेमाल ना करें, चाइना का हर जगह बहिष्कार करें, अपने देश की वस्तुओं को अपनाएं, चाइना अपने आप घुटनों पे आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत।